हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने ओम्स लॉ को दो तरह से बताया था। एक तो बताया था कि क्या होता है कि किसी भी मटेरियल के लिए यदि करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई मीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी करता है, तो उस मटेरियल्स के लिए ओम्स लॉ क्या होता है, यूज होता है। आई मीन ओम्स ने क्या बताया था कि ओम्स ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है जो मटेरियल के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो एक पहला स्टेटमेंट ये, मतलब यही क्या है, मेन स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट जो आप 10th क्लास में ही पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई मीन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर होता है एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है, उसके बेसिस पे मटेरियल्स को क्या किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मटेरियल हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक वैसा मटेरियल होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि करंट एंड वोल्टेज में जो रिलेशन आना चाहिए एट गिवन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन आना चाहिए क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो वैसे मटेरियल जिसके लिए, फॉर दोज मटेरियल्स फॉर विच द करंट डेंसिटी वेरी लीनियरली विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ओमिक मटेरियल्स। आई मीन वैसा मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, सिंपल हम लिख सकते हैं कि दोज मटेरियल्स ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक मटेरियल्स। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, जे इक्वल टू सिग्मा इन टू ई, जे इक्वल टू आई मीन इलेक्ट्रिकल करंट डेंसिटी is equal to electrical conductivity into electric field or equal to 1 upon resistivity equal to electric field. So for ohmic material current density vary linearly with electric field inside the materials. ठीक है, I mean J is directly proportional to क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और ये आप जानते हैं कि यहाँ से slope से क्या मिलेगा, theta, I mean slope equal to क्या होगा, conductivity. For ohmic material conductivity and resistivity are independent with क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक और रिलेशन है कि ओम्स लॉ के लिए क्या होना चाहिए फॉर ओमिक मटेरियल्स, ओम्स लॉ का मतलब क्या हुआ, वी एंड आई जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, लिनियरली वेरी करना चाहिए। तो फॉर क्या होगा, फॉर ओमिक मटेरियल वी एंड I vary linearly, ठीक है। तो यदि linearly vary कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी material के लिए है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि क्या है, ओमिक material है। तो यहाँ क्या होगा, V versus I graph यदि draw करोगे, I mean V versus I graph, तो ये क्या मिलेगा, straight line मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है कि not for large V and I, B एंड I बहुत ज्यादा कर दोगे तो यहां भी क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एट यहां क्या है, V एंड I क्या है, वेरीज लिनियरली, तो ये क्या है, ओमिक मटेरियल। तो ओमिक मटेरियल के लिए सिंपल याद रखना है, सिंपल सा ट्रिक, सिंपल क्या है कि वैसा मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, तो वैसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ओमिक मटेरियल बोलते हैं। ओमिक मटेरियल के लिए क्या होना चाहिए, करंट डेंसिटी जो होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिनियरली वेरी करना चाहिए, वी और आई में जो रिलेशन होना चाहिए वो लिनियरली होना चाहिए। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी मस्ट बी इंडिपेंडेंट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इनसाइड द मटेरियल। ठीक है, तो यही क्या होता है, ओमिक मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। यदि कोई भी मटेरियल इस चीज को फॉलो कर रहा है, ये इस लॉ, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो वैसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, ओमिक बोलेंगे। जैसे क्या होता है, मेटल फॉर एग्जांपल के लिए क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए क्या लिख सकते हैं, मेटल, फिर क्या होगा, कंडक्टर, आई मीन इट इज। ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉन ओमिक, अगला जो है क्या है, नॉन ओमिक मटेरियल।
ठीक है। तो नॉन ओमिक मटेरियल जो होता है उसमें क्या होगा कि वी एंड आई में जो रिलेशन होता है, आई मीन सिंपल है कि दोज मटेरियल्स विच डज नॉट ओबे, क्या है दोज, हम बोल सकते हैं कि दोज मटेरियल्स मटेरियल्स विच डोंट ओबे ओम्स लॉ, डोंट दोज मटेरियल्स विच डोंट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक मटेरियल्स। तो याद सबसे पहला क्या है ये आपको माइंड में रखना है कि क्या होगा कि नॉन ओहमिक के लिए क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, जितने भी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डिवाइस सच एज क्या होगा, डायोड, ट्रांजिस्टर है ना, एंड ATC, ठीक है, और भी है, थायरिस्टर भी है, ठीक है, थायरिस्टर भी आप लिख सकते हो, थायरिस्टर या बी क्या है, ट्रांजिस्टर में दोनों आता है, BJT और बाइपोलर ट्रांजिस्टर भी होता है, ठीक है, और बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, इसमें क्या होता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो करंट एंड वोल्टेज के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, नॉन लिनियरली होता है, क्या होता है, नॉन लिनियरली होता है। तो हम लिख सकते हैं कि फॉर नॉन ओमिक, क्या है, यहां लिख सकते हैं कि फॉर नॉन ओमिक मटेरियल करंट रिलेशन बिटवीन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आर क्या होगा, नॉट लीनियर, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो डायोड के लिए, बाद में हम पढ़ेंगे, ये कब पढ़ेंगे, जब सेमीकंडक्टर हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको मैं बताऊंगा कि ये ग्राफ कैसे आता है, ठीक है। तो आप जब यहां देखेंगे कि यदि V वर्सेस I का ग्राफ ड्रॉ करोगे, यहां V और I का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे रिलेशन आता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का रिलेशन आता है। तो देखो यहां क्या है, नॉन लिनियरली रिलेशन है ना, क्या है, यहां जो रिलेशन दिया हुआ है ये देखो V और I में क्या है, नॉन लिनियर रिलेशन, लिनियरली नहीं वरी कर रहा है। ये किसके लिए, फॉर डायोड आगे देखोगे क्या होगा, सिलिकन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, आगे जब आप पढ़ोगे तो वहां मालूम चलेगा। तो इसी से बनाया जाता है, और भी है लेकिन इतना, डायोड के लिए क्या होता है, V वर्सेस I जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, नॉन लिनियर होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, नॉन ओमिक डिवाइस बोलते हैं। और एक पॉइंट और हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो एक और पॉइंट आप नोट कर लो यहाँ कि फॉर क्या होगा, फॉर नॉन ओमिक है ना डिवाइस या नॉन ओमिक मटेरियल्स है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन
डिपेंड ऑन क्या चीज पे डिपेंड करेगा, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो फॉर नॉन ओमिक मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इनसाइड द मेटल द मटेरियल। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। तो यही दो पॉइंट था। तो ओमिक का मतलब क्या हुआ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, और नॉन ओमिक का मतलब क्या हुआ, कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि रेसिस्टिविटी और फिर रेसिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेसिस्टिविटी के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि जब ये बताया था ओम्स लॉ, तो मैंने ये बताया था कि V इज इक्वल टू I इंटू क्या होता है R, वेयर R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू, मैंने ये बताया था क्या, R इज वेयर R इज इक्वल टू रो L अपॉन क्या है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले रो के बारे में पढ़ेंगे, तब हम क्या यहां पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी रो, ठीक है, तो रेसिस्टिविटी यहां से भी आप देख सकते हो क्या होगा कि रेसिस्टिविटी इट इज द क्या है, सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इसको हम दिखा बोल सकते हैं। इसका इसके बाद क्या है, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एस आई यूनिट ऑफ क्या होगा, रेसिस्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, देख सकते हो हम लिख सकते हैं इक्वल टू क्या होगा, ओम मीटर, और इसको लिख सकते हैं मीटर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि आप इसका डायमेंशन लिखना चाहो तो डायमेंशन भी पूछा जाता है, उसके बाद हम, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा, ओम, क्या होगा, ओम मीटर, है ना, और इसका डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा, डायमेंशन जब हम लिखेंगे तो डायमेंशन ऑफ क्या होगा, आर आर इंटू क्या होगा, एल अपॉन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एरिया। ठीक है, आर का डायमेंशन आप लिख सकते हो, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, आर का डायमेंशन क्या लिखेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बता सकते हो आर का डायमेंशन। अब आप बोलोगे वी का भी डायमेंशन कैसे, वी का डायमेंशन आप लोगों को मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, आर का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, देखो यहां ये फॉर्मूला आप जानते होंगे कि पी इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू क्या होता है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर क्या होता है, आर होता है। तो हम लिख सकते हैं आर का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ पावर अपॉन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ करंट। ठीक है, और पावर का डायमेंशन मालूम है आपको, तो हम यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, क्योंकि वर्क का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इंटू एल डिवाइडेड बाई क्या होगा, एल स्क्वायर, ठीक है, इंटू आई स्क्वायर। तो यहां से जब आप एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा डायमेंशन एम, देखो ध्यान से ये एल से एल, तो एम एल टी माइनस थ्री आई के पावर माइनस टू, यही क्या हुआ रेजिस्टिविटी का डायमेंशन हो गया। देखो ये पावर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर,
क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर आर। या आप जानते हैं, बहुत सारे आप डायमेंशन पढ़ चुके हैं, तो आप पोटेंशियल का डायमेंशन भी क्यू भी वहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू इक्वल टू सी वी से, या हाफ सी एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो वहां से भी निकाल सकते हो, है ना। तो यहाँ क्या होगा, डायमेंशन ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा, एम एल टी माइनस थ्री इंटू क्या होगा, आई के पावर माइनस टू। देखो आर का डायमेंशन हम कैसे निकाले, पावर अपॉन करंट स्क्वायर, पावर का क्या होगा, एम एल स्क्वायर इंटू क्या होगा, टी माइनस थ्री। तो मैंने लिखा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इंटू एल एल एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। फिर हमने सॉल्व किया तो क्या मिला, एम एल टी स्क्वायर, सॉरी एम एल टी माइनस थ्री, आई के पावर क्या होगा, माइनस टू। उसके बाद क्या है कि रेसिस्टिविटी, देखो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसे हम डिफाइन करते हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा, इट्स रेजिस्टेंस। तो हम ऐसे लिख देंगे इसका डेफिनेशन कि देखो क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ ये क्या होगा, ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेसिस्टेंस इफ इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इट्स इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया आर 1 meter एंड 1 meter स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू क्या होगा आर इफ एल इक्वल टू 1 meter एंड ए इक्वल टू क्या होगा 1 meter स्क्वायर, कि हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद मैंने ये बताया था कि फैक्टर अफेक्टिंग, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से कि फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी ऑफ ए क्या होगा, मटेरियल। क्या क्या फैक्टर इफेक्ट होगा, तो मैंने बताया था कि क्या क्या फैक्टर होता है, तो याद रखना है। देखो सबसे पहले तो मैंने एक रिलेशन भी लिखा था कि क्या होगा, रिलेशन क्या होता है, रो इक्वल टू मैंने बताया था एम अपॉन एन ई स्क्वायर क्या होता है, टाउ। इसी से सब चीजें आप फिगर आउट कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन पहला क्या होगा, नेचर, पहले भी मैं लिख चुका हूं नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। बी में क्या होगा, टेम्परेचर, दो ही चीज पे डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रेसिस्टेंस एज वेल एज लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस तरह रेजिस्टेंस क्या होगा, केवल क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, क्या चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, वोल्टेज पे कभी डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह क्या होगा कि रेजिस्टिविटी जो है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल प्रॉपर्टी। क्या है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एज वेल एज क्या होगा, टेम्परेचर। ये मैंने बता चुका हूं कि फॉर क्या होगा, अभी हम देख सकते हैं कि फॉर क्या होगा, कंडक्टर के लिए क्या होता है, तो यहां देखोगे कि फॉर क्या होगा, ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूं। फॉर मैंने बताया था कि फॉर क्या होगा, कंडक्टर, कंडक्टर रेसिस्टिविटी जो होगा वो थोड़ा क्या होता है, इधर नॉन लिनियर इस टाइप का कुछ ग्राफ होता है, ठीक है। एरो, ठीक है, आई मीन रो वर्सेस क्या है, रो वर्सेस टेम्परेचर,
ये किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। कंडक्टर के लिए भी बताया था आपको कि मैंने बताया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाव क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये थोड़ा क्या होता है, कुछ क्रिटिकल क्या बोलते हैं, क्रिस्टल इम्परफेक्शन की वजह से क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, थोड़े टाइम तक क्या होता है नॉन लिनियरली, उसके बाद क्या होता है लिनियरली वेरी करता है। ये किसके लिए? कंडक्टर और क्या है, मेटल के लिए। ग्राफ डायरेक्ट पूछा जाता है तो आपको तो रेजिस्टिविटी वर्सेस क्या होगा टेम्परेचर ग्राफ जो होगा क्या होगा फॉर मेटल और कंडक्टर। ऐसा क्यों होगा कि यहां मैं लिख देता हूं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इसको कि क्या होगा कि एच क्या होगा एच, क्योंकि इसके लिए क्या होता है एन जो होता है क्या होता है नियरली क्या होता है कॉन्स्टेंट हो जाता है। किसके लिए? मेटल के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा टाव, एंड टाव जो होता है क्या है टाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई मीन टाव इज क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा टेम्परेचर। तो हम बोल सकते हैं कि रो इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा टेम्परेचर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये याद रखना है, यदि ये रिलेशन आपको याद है तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये तो मेटल के लिए होगा यार, या कंडक्टर के लिए, मेटल और कंडक्टर दोनों लिख लो यहां मेटल। सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है और इंसुलेटर, तो फॉर क्या होगा फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर एन जो होता है वो एन क्या होता है कॉन्स्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्या होगा, आप देख सकते हो कि रो विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा एन, जबकि हम टाओ को क्या मानते हैं नियरली क्या कंसीडर कर लेते हैं कॉन्स्टेंट, आई मीन कोलिजन मीन टाइम को हम क्या करते हैं कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि फॉर क्या होगा सेमी कंडक्टर जो, और ये भी क्या होगा एक्सपोनेंशियल इस टाइप का क्या होता है ग्राफ होता है। ये भी याद रखना है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या टेम्परेचर हम बढ़ाएं तो क्या रेजिस्टिविटी जीरो हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। ड्यू टू क्रिटिकल क्रिस्टल इम्परफेक्शन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर विल नेवर बी जीरो। आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, ये आप मत बोलना कि हम टेम्परेचर बहुत बढ़ा दें तो क्या इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा क्या, कम होगा क्या, जीरो हो जाएगा क्या, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां क्या है रो और अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मत समझ लेना, है ना, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, इस टाइप का कुछ रिलेशन है। ये आगे जब मैं सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा। तो ये किसके लिए है फॉर सेमीकंडक्टर और क्या है इंसुलेटर। उसके बाद क्या आता है सुपर कंडक्टर भी आता है ना। तो फॉर सुपर कंडक्टर के लिए क्या है, देखो कंडक्टर और सुपर कंडक्टर में डिफरेंस क्या है कि अबव सर्टेन रेंज अबव सर्टेन टेम्परेचर कंडक्टिविटी जो है वो क्या है, सॉरी क्या है कंडक्टिविटी नहीं रेजिस्टिविटी जो है वो क्या है सेम ही तरह से क्या होता है वेरी करता है, लेकिन बिलो सर्टेन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर क्या होता है जीरो हो जाता है, ठीक है। तो फॉर क्या होगा फॉर सुपर कंडक्टर रेजिस्टिविटी बिकम क्या होगा बिकम्स जीरो बिलो ए टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर, आई मीन अबव क्रिटिकल टेम्परेचर अबव क्रिटिकल टेम्परेचर रेजिस्टिविटी चेंजेस सेम एज मेटल और कंडक्टर, ठीक है। आई मीन वेरिएशन जो होता है वो क्या होता है सेम होता है।
तो इसके बाद जब आप देखोगे तो देखो यहाँ यदि मैं सुपर कंडक्टर के लिए ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे इसी को हम क्या बोलते हैं टीसी, आई मीन इधर क्या होगा रेजिस्टिविटी क्या होगा जीरो हो जाए, ठीक है किसके लिए सुपर कंडक्टर। तो फॉर क्या होगा फॉर सुपर उसके बाद क्या होता है एलॉयज है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्या होता है ग्राफ डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में तो फॉर क्या होगा एलॉयज है ना रेजिस्टिविटी इज नियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट विथ क्या होगा टेम्परेचर आई मीन नियरली क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी वर्सेस क्या होगा टेम्परेचर ग्राफ जो होगा ये रो और यहां हमने क्या लिखा टेम्परेचर तो नियरली जो होगा वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है नियरली है ना। फॉर किसके लिए फॉर एलॉयज ठीक है। तो नियरली क्या होगा देखो ये क्या होता है नियरली कॉन्स्टेंट होगा ये कुछ वैल्यू होगा रो नट। तो ये रहा क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। ये सुपर कंडक्टर के लिए क्या होता है बिलो सर्टेन टेम्परेचर क्या होता है रेजिस्टिविटी जीरो हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं है ना क्या है क्रिटिकल। उसके बाद जो होता है रेजिस्टिविटी वैसे ही चेंज होता है जैसे क्या हो मेटल का चेंज होता है ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ठीक है या थर्मल कोएफिशिएंट भी इसको बोलते हैं। तो ये दो तरह का होता है अल्फा जो होता है वो दो तरह का होता है एक तो होता है अल्फा एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा देखो रो माइनस रो नट अपॉन क्या होता है डेल्टा टी ठीक है क्या होगा रो अपॉन रो नट माइनस क्या होगा डेल्टा टी ठीक है। ये क्या होगा रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर ठीक है और दिस इज नथिंग बट द ये इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी रेसिस्टिविटी एट आइदर जीरो डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस। जनरली हम जीरो डिग्री ही यूज करते हैं लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस ठीक है। तो क्या हुआ अल्फा एवरेज। इसके बाद यहां से भी आप लिख सकते हो लेकिन बाद में हम आते हैं उसी रिलेशन पे ठीक है। दूसरा क्या होता है कि एक होता है इसको हम क्या बोलते हैं एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी एवरेज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। जितना अल्फा का वैल्यू कम होता है उतना ही क्या होता है वो जो मटेरियल होता है वो टेम्परेचर क्या होता है लेस सेंसिटिव होता है लेस सेंसिटिव होता है। तो अल्फा एवरेज क्या होगा रो माइनस रो नट अपॉन क्या हो जाएगा वन प्लस क्या हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी ठीक है। यदि हम यहां से हमने कुछ गलत लिख दिया क्या
नहीं, यहाँ जो होगा ये रो नट होगा, सॉरी, ठीक है। तो अब उसके बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा एवरेज हुआ, एक होता है अल्फा इंस्टेंटेनियस, ठीक है, अल्फा इंटेंसिटी, आई मीन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, डी रो अपॉन डी टी इंटू क्या होगा, वन अपॉन रो। इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब देखो यहां से ही हम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, आप देखोगे अब क्या होगा कि जनरल जो फॉर क्या होता है, फॉर कंडक्टर, एंड हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, फॉर फॉर कंडक्टर रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो नट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, फॉर कंडक्टर। और ये जो डेल्टा टी क्या होना चाहिए, याद रखना है, डेल्टा टी इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस, तभी इसका यूज हम करते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं कर सकते। ये भी एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ जो रिलेशन फाइंड आउट किया गया है, देखो यहाँ से तुम खुद से भी डिराइव कर सकते हो, यदि अल्फा हम कॉन्स्टेंट कंसिडर कर लें तो आसानी से आप ये रिलेशन डिराइव कर सकते हो। अब ये क्या है, या सिंपल है कि आप मान लो ऐसे, या डेल्टा टी ही कंसिडर कर लो, ठीक है। तो यहां हमने क्या माना, रेसिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर, और दिस इज नथिंग बट द रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जनरली हम 0 डिग्री सेल्सियस यूज करेंगे। अल्फा को हम क्या बोलेंगे, अल्फा, अल्फा इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो यहां से देख सकते हैं कि क्या होगा, कि जनरली क्या होता है कि रेसिस्टिविटी वर्सेस जो टेम्परेचर ग्राफ होता है वो जनरली क्या होता है, लिनियरली होता है ना, देख रहे हो। और याद रखना है कि जिस मटेरियल के लिए, यदि जिस मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी क्या हो, अल्फा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, उस मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी होगा टेम्परेचर के साथ क्या होगा, आई मीन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे जनरली क्वेश्चंस भी आते हैं। याद रखना है क्या, कि अल्फा हमने क्या माना है, कॉन्स्टेंट, ठीक है, आई मीन गिवन टेम्परेचर पे, और ये जो रिजल्ट यूज है वो क्या, डेल्टा टी मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस, किसी भी टेम्परेचर के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते, है ना। तो फॉर कंडक्टर रो इक्वल टू रो नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, एंड वेयर डेल्टा टी मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इसका जब आप यही, जब इसी का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जनरली कॉपर वगैरह के लिए क्या होता है, जनरली ऐसे आता है ना, रो इज इक्वल टू कुछ ऐसे ऐसे, नियरली क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसके बाद हम क्या है, कल इससे रिलेटेड जो भी है ना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, और फिर कल हम पढ़ेंगे कि वेरिएशन ऑफ आई मीन रेजिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।